हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी जो कॉमर्स का एमपी में डिस्कस करने वाला तुम्हारे साथ, जो एग्जाम में आने का चांस है, और स्टार्ट कर दो। ये मतलब इतना आंसर पढ़ लेगा तुम्हारा, अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्विस मॉड्यूल है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो आईएमपी में दिया हो, जो बता रहा हूँ, मैंने पूरा प्लेलिस्ट में तुम्हारे लिए बना दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, उसको देख लेंगे, पूरा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो मॉड्यूल 1 में एक तो फीचर ऑफ सर्विस पढ़ना है, फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, और एलिमेंट ऑफ सर्विस, एलिमेंट ऑफ सर्विस मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब के बारे में 4-4 लाइन डालने का है, ओके। तो ये 2 है, या फिर क्वेश्चन ये पैटर्न में आएगा, या तो एक साथ आएगा, 3 आएगा, 2 लिखने करेगा, तो 3-2 आएगा तो अच्छा रहेगा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है मालूम है अपना, हाउ दिस, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिलीवरी ऑफ सर्विस। स्कोप ऑफ सर्विस नहीं पढ़ना, उसकी जगह भी ये पढ़ना है चैलेंजेस इन सर्विस मार्केटिंग। चैलेंजेस मतलब होता है प्रॉब्लम, तो नेगेटिव में पॉइंट डालना है। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना आंसर पढ़ना पड़ेगा, राइट। और एक शॉर्ट नोट तुमको क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर से, सर्विस डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का एमपी हो गया। और सेकंड चैप्टर में ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, एक है नॉन स्टोर और एक है स्टोर फॉर्मेट, दोनों पढ़ के रख लेना। स्टोर में दुकान आएगा, डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, नॉन स्टोर में एटीएम है ना, ऑनलाइन बिजनेस, ओके। और फिर डिफरेंट स्टोर फॉर्मेट, वही आंसर जो मैंने बोला अभी। और मॉल मैनेजमेंट वाला आंसर आएगा, तो उसकी जगह भी ये आंसर पढ़ना है तुमको, करियर्स इन रिटेल सेक्टर। क्या पढ़ना है, करियर्स इन रिटेल सेक्टर, ये नहीं पढ़ना, करियर्स इन रिटेल सेक्टर पढ़ना। और स्टोर लेआउट वाला आंसर इधर दिया है, राइट। मतलब तुम्हारा स्टोर कैसे होगा, लेआउट कैसे रहेगा, वो सेकंड मॉड्यूल में ना, रिटेलिंग सेक्टर में। और नेक्स्ट जो थर्ड मॉड्यूल है तुम्हारा, बैंकिंग के ऊपर है, इंश्योरेंस के ऊपर है। तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये चारों आंसर है। इसमें सिर्फ एक का ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ना, और किधर भी तुम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया, एक बार उसको भी देख लेना, तुम्हारा हो जाएगा। और एक आंसर है एलिमेंट ऑफ लॉजिस्टिक, क्या पढ़ना, एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक। और इसमें आंसर एक है एफडीआई इन रिटेल बैंकिंग, एफडीआई इन बैंकिंग, ये पढ़ना है आंसर, ठीक है। तो ये थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है। और लास्ट मॉड्यूल एकदम इजी है, ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पढ़ना, फंक्शंस में डाल सकते तुम लोग, है ना। ऑनलाइन मार्केट रिसर्च पढ़ना है, और B2C मॉडल है, B2B भी पढ़ लेना, और B2C भी, तीनों मॉडल पढ़ लेना, क्योंकि दूसरा वाला एक शॉर्ट नोट्स में आएगा। और एक BPO है, BPO मतलब आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग के ऊपर आंसर पढ़ लेना, मैंने एडवांटेजेस समझा दिया हूँ। BPO और KPO में डाल सकते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शॉर्ट नोट्स में आएगा, कैसे एक कंप्यूटर पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, एफडी एंड रिटेलिंग बोला। तो ये सब टॉपिक तुमको पढ़ना है कॉमर्स का, यही है एमपीयू, ठीक है। और मैं अलग से ऑब्जेक्टिव्स का भी वीडियो बना दूंगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। और मैंने पूरा बुक एक्सप्लेन करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।